सबसे बड़ी खबर से करते हैं ब्रेकिंग न्यूज। इस समय की हम आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर हरियाणा को लेकर एक अहम बैठक चल रही है। बैठक में अनिल जैन और कैलाश विजयवर्गीय मौजूद है। इससे पहले गृहमंत्री राजनाथ सिंह के घर भी एक बैठक हुई, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल, आईबी चीफ, गृह सचिव और अर्धसैनिक बलों के प्रमुख शामिल हुए। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा जुड़ रहे हैं। संजय, क्या अपडेट है, क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री, चाहे हम बात करें जाट आरक्षण को लेकर, चाहे संत रामपाल को लेकर, और कल तो हद हो गई। देखिए शोभा, इस बात में कोई शक नहीं कि कम दो से तीन बार गलती हो चुकी है हरियाणा में, गलतियां लगातार दोहरा रही हैं। अमित शाह के घर पर बैठक चल रही है, तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं। डॉक्टर अनिल जैन की हम बात करें, कैलाश विजयवर्गीय की हम बात करें, अमित शाह के साथ बैठक में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कैसे हालात को काबू में लाया जाए। इसी तरह से एक बैठक केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर भी चल रही है, हम यहां पर मौजूद हैं। एनएसए अजीत डोभाल यहां पर मौजूद हैं, गृह सचिव राजीव महर्षि यहां पर आए हुए हैं, कई सारे तमाम सिक्योरिटी के सुरक्षा बलों के बड़े अधिकारी यहां पर आए हुए हैं, आईबी चीफ यहां पर मौजूद हैं। कई तरह की बातचीत चल रही है, 250 से 300 सीआरपीएफ की कंपनियां पहले से तैनात है हरियाणा में, सेना को उतारा गया, सेना ने सिरसा में उनके मुख्यालय में कब्जा जमाया। अब और कितनी ताकत और भेजने की जरूरत है, कितने अर्धसैनिक बल और फोर्स और वहां पर भेजने की जरूरत है, उसको लेकर के पूरा मंथन चल रहा है कि आखिर कैसे पंजाब हरियाणा और दिल्ली की बॉर्डर को शांत रखा जाए। मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं हमारे ही सहयोगी प्रकाश पांडे। प्रकाश, ये जो बैठक चल रही है, आखिर इसका क्या मतलब निकलेगा, क्या इसकी तैयारियां होंगी, कैसे इसको देखा जाए इस बैठक को? संजय, अब सबसे बड़ी चीज है कि जो कुछ होना था वो कल हो चुका है, उसके बाद से कम अब मामला थोड़ा बहुत कंट्रोल में आया। हरियाणा सरकार भी काफी एक्टिव हुई, शाम को सीएम जो है मनोहर खट्टर तमाम लोगों से मिलने पहुंचे, तमाम कवायद शुरू हो गई। होम मिनिस्ट्री ने साफ तौर पे कहा कि अगर और सेना की जरूरत है या पैरामिलिट्री फोर्सेस की जरूरत है और कोई भी फोर्सेस जरूरत है हम दें। पर अब जो ये बैठकों का दौर शुरू हुआ है वो इसलिए शुरू हुआ है कि जितना शीशा लेदर होनी थी वो सब हो गई, पर अब 28 को जिस दिन फैसला आएगा उस दिन स्थिति क्या होगी उससे निपटने के लिए सारी कवायद है। जो होम मिनिस्टर के वहां बैठक चल रही है, तमाम आला अधिकारी मौजूद है, वो बैठक में पीछे उसके पीछे साफ मंशा ये है कि अभी तो फिलहाल स्थिति कंट्रोल में जो थोड़ी बहुत हो पाई है वो हो गई है, लेकिन 28 को अगर स्थिति इससे ज्यादा बिगड़ती है तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो वक्त अभी हमारे पास है एक दो दिन का, तो हम अभी से उसकी तैयारी कर लें, क्योंकि पहले तैयारियां होने के बावजूद जो है हरियाणा सरकार उतने मजबूती से टैकल नहीं कर पाए। और राजनीतिक तौर पर अभी अमित शाह जी के साथ बैठक खत्म हुई, अनिल जैन जो प्रभारी हैं, साथ ही कैलाश विजयवर्गीय भी वहां मौजूद थे, वहां पे भी लगातार ये मंथन चल रहा है कि जो सब चीजें हो रही हैं वो ठीक नहीं है, इसको इससे किस तरह निपटा जाए। आपको पता है संजय कि कल रात में देर रात प्रधानमंत्री से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मिले, उन्होंने पूरी बातचीत की, वहां पे वो नॉर्थ ब्लॉक भी गए थे। तो ये सारी कवायद अब इस चीज की चल रही है कि जो स्थिति हो चुकी है उसको नियंत्रण किया जाए और 28 को किस तरह से इसे निपटना है वो सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। अब कोई भी कहीं से भी कोई चूक नहीं होने पाए, ये सबसे बड़ी कवायद है। तो शोभा, सबसे बड़ा चैलेंज अब सरकार के सामने इसी बात को लेकर के है कि 28 तारीख को जब सजा सुनाई जाएगी, यानी कि सजा कितनी होगी, 2 साल की 3 साल की 7 साल तक सजा हो सकती, जिस दिन सजा सुनाई जाएगी उस दिन क्या हालात होंगे, उस दिन स्थिति कैसे नियंत्रण में की जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से कल भक्तों ने तांडव किया, अगर वो 28 को भी रिपीट हो गया तो बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में राम रहीम के डेरा पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। सिरसा में सेना डेरा मुख्यालय के पास पहुंच गई है। सेना, सीआरपीएफ, आरएएफ और पुलिस के जवानों ने डेरा मुख्यालय को घेर लिया है। वहीं पूरे हरियाणा में राम रहीम के अब तक 10 आश्रम सील किए जा चुके हैं। कुरुक्षेत्र में 2, कैथल में 1, ननहेड़ा में 1 और सिरसा में 1 छोटा डेरा और भिवानी में 4 नाम चर्चा घर सील कर दिए गए हैं। वहीं राम रहीम के 6 सुरक्षा गार्ड और 2 डेरा समर्थकों पर देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया है। अब तक राम रहीम के 1000 से ज्यादा समर्थकों को हिरासत में लिया जा चुका है। हमारे साथ हमारे संवाददाता यतेंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, अब से कुछ देर पहले तक सेना कूच कर गई थी डेरा की तरफ, अब इस समय लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या सेना अंदर प्रवेश कर गई है या बाहर से ही अभी अनाउंसमेंट्स का दौर जारी है?
देखिए शोभना, बिल्कुल आर्मी को आगे कर दिया गया है। आर्मी ने कल रात से ही मोर्चा संभाल लिया गया था और अब से कुछ देर पहले सेना जो डेरा सच्चा सौदा का जो एरिया है उसमें अंदर एंट्री वो कर चुके हैं। हालांकि हमारी जो यहाँ के कमांडेंट है सेना की तरफ से इंचार्ज है उनसे बात हुई, उनका अभी साफ तौर पर कहना है कि उनको डेरा कैंपस में जाने की भी परमिशन नहीं मिली है। आखिरी तौर पर फैसला राज्य सरकार जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको लेना है। अगर उनका निर्देश होगा तो हम अंदर भी जाएंगे, लेकिन अभी तक केवल अनाउंसमेंट किया जा रहा है, एक प्रेशर बनाया जा रहा है मानसिक तौर पर कि जो डेरा में अंदर लोग हैं, जो समर्थक हैं, जो महिलाएं हैं और खासकर बच्चे हैं, वो एक एक करके बाहर जा सकते हैं। उनके हाथ में वर्षे तो उनके हाथ में कोई किसी भी तरह का हथियार लाठी डंडा ना हो, इस तरह का अनाउंसमेंट सेना की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मामला है और एक भी चूक बड़ी कैजुअलिटी का रूप ले सकती है। तो ऐसे में सेना काफी धैर्य और शांति के साथ वहां डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों से अपील कर रही है, अनाउंसमेंट लगातार कर रही है कि वो एक एक करके धीरे धीरे दो या तीन के गुट में बाहर निकल सकते हैं। हालांकि इसके साथ ही सेना लगातार वहां पर अपनी संख्या भी बढ़ाती जा रही है। कई जो एक टुकड़ी थी वो एक टुकड़ी से दो टुकड़ी कर दी है। मेरे पीछे देखेंगे तो एसएसबी भी यहां पर बुला ली गई है, सीमा सशस्त्र पुलिस जो फोर्स है उसके भी जवान वहां पर तैनात है। इसके अलावा आरएएफ पहले से ही अंदर आर्मी के साथ एंट्री कर चुकी है। हरियाणा पुलिस के जवान और खासकर महिला जवानों की भी बड़ी संख्या में वहां पर तैनाती कर दी गई। एक तरह से पूरे डेरे सच्चा सौदा का जो कैंपस है, जो गेट है, मेन गेट से 500 मीटर की दूरी पर सेना ने पूरा अपना डेरा जमा लिया है डेरे के बाहर, और अब किसी भी क्षण अगर निर्देश होते हैं तो वो अंदर एंट्री करने के लिए तैयार है। लेकिन सेना ने साफ कर दिया है कि उनको अभी तक किसी भी तरह का आदेश अंदर जो कैंपस है उनको अंदर जाने का नहीं मिला है। अगर आदेश मिलता है तो वो अंदर जाएंगे। हालांकि सेना की तरफ से यह बताया गया कि उनके जो जेसीओ हैं आरएस पुनिया वो 1:30 बजे सिरसा पहुंचेंगे, तमाम आला अधिकारियों से बातचीत करेंगे और फिर जो डेरा सच्चा सौदा का जो एरिया है 700 एकड़ का में पूरे कैंपस ये फैला हुआ है उसमें भी वो दौरा करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से द्वारा से बात करके फिर पूरी जानकारी के साथ वो आगे के लिए सेना को। जाहिर सी बात है कि इस समय गृह मंत्री की अभी बैठक चल रही है, तो कोई बड़ा फैसला आएगा उसके बाद ही सेना अपना अगला कदम तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंसा पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए पंचकूला शहर को जलने दिया गया। हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि राम रहीम के काफिले में इतनी गाड़ियां कैसे आईं, काफिले में इतनी गाड़ियों को इजाजत आखिर किसने दी, सरकार ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि हिंसा की जिसने भी नुकसान किया है उसकी भरपाई उसी से की जाएगी। साफ इशारा हाईकोर्ट ने किया कि अब इस नुकसान की भरपाई जो है वो डेरा सच्चा सौदा से ही की जाएगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता रजत राकेश जुड़ रहे हैं। रजत, एक बड़ी टिप्पणी हाईकोर्ट ने की है और जो बहुत जरूरत भी बन चुकी है, जिस तरह से सरकारों ने वोट का एक खेल शुरू कर दिया है कि अपने वोट के लिए पक्षपात पे उतर आए हैं, और कल जिस तरह का तांडव देखने को मिला है पंचकुला में, उसके बाद ये जरूरी हो गई थी टिप्पणी हाईकोर्ट की। देखिए, हाईकोर्ट शुरू से ही सख्त टिप्पणी दे रहा है। पहले भी उसने पूछा कि 144 लगने के बाद लोग कैसे आए, उसके बाद कल उसने साफ कर दिया कि डेरा की जितनी संपत्ति है उसको आप सीज करिए और जितना नुकसान हुआ है उसको आप भरपाई करिए। आज भी आदेश दिया है डीसी को कि जहां जहां नुकसान हुआ है पब्लिक प्रॉपर्टी को या फिर इंडिविजुअल्स को उसकी पूरी लिस्ट बनाइए और कोर्ट में सबमिट करिए। साथ ही साथ तक टिप्पणी उन्होंने करी है कि सरकार ने अपने फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए पंचकुला को जलने दिया। तो आप कह सकते हैं कि लगातार कोर्ट सख्त है और जिस तरीके से कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और टिप्पणियां आ रही उससे साफ है कि कोर्ट चुप रहने वाला नहीं है, क्योंकि जो कुछ पंचकुला में हुआ कल, जो हमने अपनी आंखों से देखा, वो साफ था कि अगर एक इच्छा शक्ति होती सरकार के अंदर, प्रशासन के अंदर, तो ये सब नहीं हो सकता। इसीलिए शायद कोर्ट नाराज है, क्योंकि कोर्ट पिछले 5 दिनों से कह रहा था कि आप सुरक्षा व्यवस्था करिए, आर्मी डिप्लॉय करिए, एसएसबी डिप्लॉय करिए, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए कोर्ट आज कह रही है कि हम भी मानने को तैयार नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्स जो है उसको यूज करिए और कोर्ट को लूप में रखिए, कोर्ट को बताइए कितने लोगों का नुकसान हुआ है, कैसे इसकी भरपाई आप करेंगे। ये सब कुछ बड़ा सवाल खड़ा किया है हरियाणा सरकार के सामने। जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ी चूक हुई है और इसे एक अच्छा कदम माना जा सकता है कोर्ट की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस